Cosmo Venus. देखो beautiful. Pure vegetarian dog. तो दोस्तों बात करते हैं इसकी बेसिक डाइट की. वेजिटेरियन डॉग को जो हम देते हैं, जैसे चपाती हो गया ठीक से पका के, दही हो गया बिना नमक के बिना चीनी के, फीकी छाछ, कोई मसाला नहीं, नमक नहीं होना चाहिए. कोई भी वेजिटेबल्स मेरे डॉग्स खा लेते हैं बहुत इजीली बड़े शौक से. फ्रूट्स कोई भी दे दो सारे हजम कर जाते हैं. उसके साथ साथ इनको दलिया जो है फीका दलिया हम देते हैं, इसमें बनाना मिक्स कर देते हैं, चावल दे देते हैं, और भुने हुए जो काले चने आते हैं वो बड़े शौक से खा लेते हैं. भिगोकर सोयाबीन उसको क्रश करके खाने में मिला देते हैं, उसे प्रोटीन मिलता है. ये पेडिग्रीज है जो इसको मिक्स कर देते हैं. और वैसे वेजिटेरियन है पर एग कभी कभी प्रोटीन के लिए देना ज़रूरी है. सॉल्ट बिल्कुल जहर है, कुत्ते के लिए कभी ना दें भूल के भी. और शुगर रॉ कभी ना दें. स्वीट्स के साथ नेचुरल इनटेक लें तो पानी में घुस रहा. इधर चल कॉस्मो, इधर आ बेवकूफ. कुत्ते को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए रेगुलरली पानी का देना बहुत ज़रूरी है. यस चलो ये देख मेंढक कहाँ बोल रहे हैं. देख देखियो आ जाओ चलो लेट्स गो 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 रन 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 रन. Step slow, step slow, step slow. Cosmo, step slow, step slow, slow steps. Come in the attacking mode, go slow. Good boy. देखो मेंटल ने क्या शक्ल बना ली है अपनी. ये देखो शक्ल दिख रही हो, देख क्या बना ली तूने शक्ल अपनी. इसको पकड़ पकड़ के मार मार के देखियो. ये देख गंदा गंदा बच्चा. Hey babies, come here. No, 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 baby, no, no. ये घास खा रहे हैं. नेचुरली कुत्तों को जो है घास खाने देना चाहिए क्योंकि उससे उनका डाइजेशन सिस्टम जो है नेचुरली साफ रहता है, ठीक रहता है. तो जानवर को भी पता है कि हमें कौन सी घास पत्ती खानी है कौन सी नहीं खानी. नेचुरली भगवान ने जो है इन सबको इस तरीके से बनाया है. तो ये जो है इनको पता है कि इस घास को खाने से जो है इनका बॉडी सही रहेगी तो उस घास को ही खाते हैं. तो इनको कभी डांटे मारे ना जब ये घास खा रहे हों. बकरी बने हुए दोनों. ये फीमेल है. फीमेल की हाइट भी जो है आमतौर पे जो नॉर्मल डॉबरमैन मिलते हैं उनके मेल डॉबरमैन के बराबर है मेरी फीमेल की हाइट जो नॉर्मल डॉबरमैन आजकल मिलते हैं. ए शेरा. और मेल तो आप देख ही चुके हैं कि किस टाइप का है मेरा. इसको मैं एक काम करते हैं, इसे मैं जो है एक कमांड देता हूँ, देखते हैं उस पर क्या रिएक्शन होगा इसका. कॉस्मो तू जानता है यहाँ पे कौन है?
Hey guys, आपको पता है यहाँ पे कौन है हमारे आसपास? See? Now I'm gonna use the word. Babies. Monkey. Monkey. Venus. Monkey. Monkey देख, पकड़ लोगे? जाओ, देखो, ढूंढो, जाओ, जाओ. ढूंढो. This is my female. ओहो, आगे मस्ती के मूड में. वो देखो, वो जाके छुप गई. उसको इशारा कर रही कि आ सकते, ढूंढ सकते आते ढूंढ. वो आ गया. ये फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई मेरे साथ. कुत्तों को फ्रीडम देना और नेचुरल इन्वायरमेंट में रखना बहुत ज़रूरी है. आजकल शहरों में इतनी ना तो स्पेस होता ना टाइम होता, तो जिन लोगों के पास भैया स्पेस ना हो और टाइम ना हो इनको देने के लिए, तो प्लीज़ वो डॉबरमैन कभी ना पालें. दिस ब्रीड रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड लव, देन ओनली यू कैन हैंडल हिम. मस्ती करते हुए शेप देखिए आप इसकी, मेल की शेप देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर. और एक खास बात और बताऊं दोस्तों, ये बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है. दे नेवर ईट नॉन वेज फूड. और खाने में क्या खाते हैं, चावल हो गया, दलिया हो गया, सोयाबीन हो गया, काले चने हो गए, इन सबको मिक्स करके इनके लिए बनाता हूँ. उसके अलावा पेडिग्री है रॉयल कैनन के, मैंने पैकेट रखे हुए हैं जिनको मैं मिक्स करके देता हूँ. दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, यही सब इनका खाना है. और फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो शायद ही कोई फ्रूट या सब्जी ऐसी होगी जो ये ना खाते हों. केला हुआ, एप्पल हुआ, पपीता हुआ. ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो. सी, ये अटैकिंग मोड में कितने दबे पैर आ रहा चलता हुआ. अब ये कुछ करेगा, देखो एकदम झम मारेगा इसके ऊपर. देख रहे हो इसकी इंटेलिजेंसी, दिमाग देख रहे हो कुत्ते का. ये ऐसे दबे पैर आता है दुश्मन को दबोच देता है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसके आसपास कोई कुत्ता है. आमतौर पे नॉर्मल ब्रीड के कुत्ते क्या होते हैं, भाव 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 करते आते हैं, दुश्मन वैसे ही भाग जाता है. पर ये ट्रेंड है कुछ इस तरीके से, इनको पता है कि कुछ सस्पेक्टेड हो तो बिल्कुल धीरे से दबे पैर आना है और अचानक से अटैक करना है. वैसे सिंगल डॉग पालने से बढ़िया है, मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा जो है ना मेल एंड फीमेल पालो आप. उससे होता क्या है, दोनों हमेशा खेलते रहते हैं, बोर नहीं होते. और कुत्ता बहुत ही नो, और उससे क्या है कि डॉग्स बीमार नहीं होता, दोनों खेलते हैं. बेबीज नो, कॉस्मो नो बेटा, आई विल गिव यू वाटर. उससे कभी जो है बीमार नहीं होते आमतौर पर. घर से कहीं आप जाते भी हो पूरा दिन के लिए तो ये बोर नहीं होते, आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते रहते हैं, तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होते. उससे कुत्ता ज़्यादा एक्टिव और हैप्पी रहता है. और एक बात और बताऊँ यार मैं डॉबरमैन की, भाई आपको यूजुअली मैंने देखा है कि लोग सजेस्ट करते हैं यार घर में बच्चे होना तो मेल नहीं पालना चाहिए, बड़ा होकर जब वो एडोलेसेंस अपनी एज में आता है, थोड़ा सा जब बड़ा होने लगता है तो सेक्सुअली वो पैर पे चढ़ता है, ये करता है. पर डॉबरमैन की एक खासियत है, लेकिन जो जेन्युइन प्योर डॉबरमैन ब्रीड का है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक्स वाई जी की नहीं. जो ओरिजिनल ब्रीड है उसकी खासियत होती है कि सेक्सुअली इतनी जल्दी जो है मतलब लंगोट के ढीले नहीं होते, मैं ये बोलूँगा. बड़े ही स्ट्रॉन्ग ब्रीड है ये. आपको पता होगा बहुत पहले चलन चला था ऑल ओवर इंडिया में चोरों का, वो फीमेल्स को जो है सॉरी जिस घर में इनको सेंध लगानी होती थी, चोरी करनी होती थी, वो क्या करते थे, मेल को जो है फीमेल का पीरियड वाला ब्लड कपड़े में लगा के सूंघा दिया करते थे कुत्ते, बाकी जो है उससे मनमुग्ध होके कपड़े में लग जाया करते थे और चोर चोरी करके गायब. लेकिन चोरों ने खुद माना है, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त जो पुलिस और एडवोकेट, उनके पास हर टाइप के लोग आते हैं, वो कहते हैं भैया
हम चोरी करने से पहले, सेंध मारी करने से पहले जो है रैकी करते हैं, हम देखते हैं कि कब कौन आता है कौन जाता है और इस घर में कौन सा कुत्ता है, चाहे पिटबुल है कोई भी हो। कहता हूँ एक बार को उन घरों में चोरी कर लेते हैं, बस जहाँ पे डोबरमैन होता है या रॉटवाइलर होता है, ये जो पूंछ कटे जो कुत्ते होते हैं, कहता है इसमें बड़ा हम सोच समझ के चोरी करते हैं, क्योंकि ये कुत्ते जो है उसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते, इनको जो मर्जी आप खाने के लिए डाल दो साले उससे भी इन्फ्लुएंस नहीं होते। थोड़ा सा देखते हैं उनको फाड़ डालते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं पुलिस के पास जहाँ पे कुत्तों को उसने बहकाने की कोशिश करी चोर ने, पर उल्टा उसी की वाट लगा दी इन कुत्तों ने, डोबरमैन ने। तो डॉग पालें भाई आप, डोबरमैन मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जिन जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके पास टाइम है, चेन में बांध के घुमाने का नहीं, इनको डेली टाइम देने का अपने बिजी। मैं आप यकीन माना गाइस, मैं 4 o'clock उठ जाता हूँ, 4 o'clock लेके इनको निकलता हूँ रनिंग के लिए डेली। तो आप ये सोचिए इनकी जो बेल्ट है, जो इनकी डाइट है नेचुरल वेजिटेरियन फूड में जो आप देख रहे हैं, उसका सिर्फ यही रीज़न है कि ये जो है डेली एक्सरसाइज करते हैं, इस वजह से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड फिट हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो भी आज थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, इसमें आपको मैंने डाइट के बारे में जानकारी दी, इनके बेसिक बिहेवियर के बारे में जानकारी दी। आई होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल योर लव एंड लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस, लाइक एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो प्लीज। बाय बेबीज, आई एम गोइंग, बाय, I'm going, bye-bye. Bye-bye.